क्विक क्वेश्चन, स्कूल की सबसे वाहियात बट एट सेम टाइम जन्नत कौन सी जगह है? स्कूल टॉयलेट्स? नहीं, वाहियात तो है यार, बट जन्नत किसी एंगल से भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं भी यार किसका काट रहा हूँ, तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा टाइटल में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्कूल कैंटीन्स के ऊपर। जब भी मैं स्कूल कैंटीन्स के बारे में सोचता हूँ, मेरे दिमाग में बस एक ही वर्ड आता है, मजबूरी। क्योंकि देखो, आई थिंक ऑल ऑफ अस वुड एडमिट दैट स्कूल कैंटीन का खाना इज रियली रियली ऑफुल। एटलीस्ट मैं जिस स्कूल में था, अब मुझे पता नहीं तुम लोगों के स्कूल में खाना कैसा था, हो सकता है बहुत बढ़िया हो। आई नो सम ऑफ द रिच गाइज आउट देयर जो किसी 5-star होटल टाइप स्कूल में पढ़ते हैं, जिनका कैंटीन देख के साला ऐसा लगता है किसी की शादी चल रही हो। बट अब जो भी हो, जैसा भी हो, 3-4 घंटे कंटिन्यूअस लेक्चर्स में अपने घिसने के बाद तो करेला भी टेस्टी लगता है। एंड यही मजबूरी इज द रीजन कि रिसेस में कैंटीन में पैर रखने तक की जगह नहीं होती। और ये हरामी स्कूल वाले रिसेस के टाइम बाहर भी तो नहीं छोड़ते कि यार बंदा जाए बाहर कुछ अच्छा सा खा के आए। नहीं भाई, हम तो तुमको यही सड़ा हुआ खाना खिलाएंगे और तुम साले चाव से खाओगे भी। एंड नाउ एज अ ग्रोन अप आई सी दिस एज अ रियली गुड बिजनेस स्ट्रेटजी। क्योंकि देखो, अगर ये बच्चे बाहर जाके खाएंगे तो इनके पैसे कहाँ जाएंगे? बाहर। लेकिन अगर ये स्कूल के कैंटीन से ही खाएंगे तो सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? ऑब्वियसली स्कूल वालों के पॉकेट में। उस कैंटीन वाले को अपना शेयर मिल गया और स्कूल वालों ने अपना कमीशन रख लिया। विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। और चूतिया कौन बना? हम बच्चे। द मोस्ट कॉमन फूड इन द कैंटीन आई थिंक इज ऑब्वियसली द समोसा। समोचा। और ये कॉमन फूड हर स्टेट वाइज डिफर करता है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि तुम्हारे स्कूल में सबसे कॉमन फूड क्या था। और मैं तो ज्यादातर 2 समोसे खा के ही खुश हो जाता था, क्योंकि 10 रुपए में इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता ना। You know, and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. और जहाँ तक बात आई स्कूल में टिफिन ले आने की, ये तुम सबको पता होगा कि अगर किसी दिन तुम अच्छा टिफिन लेके आते हो क्लास में, तो तुम्हें कोई नहीं खाने देगा, तुम्हारे सारे बंदर दोस्त मिलके टूट पड़ेंगे। सो आई प्रिफर द अदर वे, मैं साला लेके ही नहीं आऊंगा टिफिन। तब क्या करोगे तुम लोग? इट वॉज बैक देन जब मैं क्लास 7 में था। एक दिन स्कूल के ऑडिटोरियम में कोई इवेंट हो रहा था और रिसेस का टाइमिंग उसी में ओवर हो गया। मैं तो भाई गुस्से से लाल हो गया था, साला आधा घंटा तो मिलता है खाना खाने के लिए, इनसे ये भी नहीं देखा जाता। बट जैसे ही इवेंट खत्म हुआ, सडनली हमारे प्रिंसिपल ने आके एक अनाउंसमेंट किया कि जिसको जो चाहिए वो कैंटीन में जाके खा सकता है। आई इंक्लूडिंग द एंटायर क्लास वेर रियली सरप्राइज्ड, बिकॉज हमारा प्रिंसिपल इतना धर्मात्मा तो नहीं था। ये अचानक क्या हो गया इसको? बट अपने को क्या था, फ्री में खाने को मिल रहा था। सो आई ग्रैब द अपॉर्चुनिटी और उस दिन तो जितना खा सकता था, रोल चाउमिन सब ठूस लिया। उस दिन सब के सब किसी राक्षस की तरह खा रहे थे, फ्री का माल है लूट लो। बट टू द मिजरी, रिसेस खत्म होने के बाद ही एक पियोन क्लास में आता है एक नोटिस लेके कि ऑल द स्टूडेंट्स नीड टू पे बैक टू द कैंटीन टुमारो। क्या? हमको तो लगा कि सब फ्री में है। हे भगवान। एंड लास्ट में इस वजह से मम्मी की मार भी खानी पड़ी। दिस कैन बी अ गुड लेसन कि कभी फ्री के माल पे हाथ साफ करने से पहले श्योर हो जाओ कि वह सच्ची में फ्री में है या नहीं। सो दिस वॉज जस्ट अ स्मॉल एक्सपीरियंस जो मुझे शेयर करना था अबाउट द टेरिबल टेरिबल स्कूल कैंटीन्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक्स दिए हैं। अगर तुम्हें अपना कोई इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करना है तो वहां पे जाके कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीक। बाय बाय।